Hi everyone, in today's video I am going to discuss with you current affairs for the month of August. In our previous video, we have covered current affairs for the month of June and July. In this video, we are going to cover current affairs for the month of August. If you are preparing for any competitive exam, then these videos are gonna be super helpful for you. So please watch them carefully and while watching the video if you have any doubt then feel free to ask me. With that said let's get started with the video. Now the first development is the appointment of Uddhav Umesh Lalit as 49th Chief Justice of India. He has been appointed by the President of India. Now. यहाँ पर हम विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट सीजीआई ही हैज बीन कंफर्ड पावर अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 दिस आर्टिकल सेज द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट सीजीआई एंड विद इन दैट पावर प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड उद्धव उमेश ललित एज द 49th सीजीआई ऑफ इंडिया नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं जरो ने रिसेंटली अनवील किया है अपना पहला इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूज़ियम इसका नाम है स्पाक जिसमें के इसरो इंटरक्टिव सेशंस रखेगा और जो भी इसरो के अपकमिंग मिशंस हो गया उसका डिस्प्ले होगा इन म्यूजियम इस म्यूज़ियम में सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये इंडिया का पहला वर्चुअल स्पेस म्यूज़ियम है इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है इस पूरी न्यूज़ में सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका नाम आपको आ सकता है स्पार्क वॉट इज़ स्पार्क तो उसमें यू विल गेट द फोर ऑप्शंस इसमें इफ़ यूल गेट द फोर ऑप्शन यू हैव टू मार्क इट्स इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस म्यूज़ियम नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं गोवा हैज़ बीन डिक्लेयरड एज द फर्स्ट स्टेट टू बी सर्टिफाइड एज हर घर जल एंड द फर्स्ट यूनियन टेरेट्री टू बी सर्टिफाइड एज हर घर जल एज दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर एस इज़ एम पी की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मंडला आई होप आई एम प्रनाउंसिंग इट करेक्टली नाउ दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द एंटायर कंट्री टू बी डिकलेयरड एज द फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट

110 परसेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी ना किसी जी आई टैग में से जो भी रिसेंटली ग्रांट किए गए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है तो आप सारे जी आई को बहुत अच्छे से पढ़ें नेक्स्ट इंडिया और यू एस के बीच में एक थर्टींथ एडिशन था एक एक्सरसाइज का स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज थी जिसका नाम था वज्र प्रहार जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई है नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें आपको कौन सा एडिशन था या कहाँ हुई है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार वो इंडिया और यूएस के बीच में हुई है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है सो लाइक दीज क्वेश्चन ऑफ़न कम इन योर एग्जाम्स नाउ द नेक्स्ट इज इंडिया रेलवेज़ ने इंडियन रेलवेज़ ने इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन लॉन्च करी है जिसका नाम है सुपर वसुकी ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और प्लस क्योंकि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है इसलिए भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसकी लेंथ है 3.5 पॉइंट फाइव किलोमीटर्स यूके हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव बाई वॉलेंट वैक्सीन विच वर्कस अगेंस्ट कोविड स्ट्रेन द ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन एंड द ओमिक्रोन वेरियंट ये दोनों के अगेंस्ट काम करती है एंड दिस बाईवेंट वैक्सीन हैज़ बीन मेड बाय यूएस ड्रग मेकर मॉडर्ना सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस द नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ साउथ कोरिया ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है साउथ कोरिया होल्स रिकॉर्ड फॉर बींग द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट कंट्री या वर्ल्ड की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है द एवरेज बैक इन द ईयर 2021 ट्वेंटी जीरो पॉइंट एट फोर एंड दिस ईयर द एवरेज इज जीरो पॉइंट एट वन दिस इज द रीजन वाई साउथ कोरिया इज नोन एज द वर्ल्ड मोस्ट एजिंग कंट्री नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखें कलाय सेल्वी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वेमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सी एस आई आर सी एस आई आर क्या है सी आई आई सी एस आई आर स्टैंड फॉर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है कलाय सेल्वी सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस नेक्स्ट डी आर डी ओ की चीफ हैं समीर वी कमात इन्होंने रिप्लेस किया है हील सक्सीड जी सतीश रेड्डी ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिहार का एक कॉलेज है द नेम ऑफ द कॉलेज लंगत सिंह कॉलेज

अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ की जो लेव है वो डेवलप हुई थी इन द ईयर 1960. सिक्सटी अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज शशि थरूर को फ्रेंच का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अगर किसी भी इंडियन को किसी और कंट्री का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस इन द ईयर टू थाउजेंड टेन स्पेनिश गवर्नमेंट ने भी सेम अवार्ड दिया था शशि थरूर जी को नेक्स्ट न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर इज अ मच हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस न्यूज़ इन योर एग्जाम्स इज मीराबाई चानू हेज़ रिसेंटली वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन फोर्टी नाइन के जी कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर मीराबाई चानू को शिवन सिल्वर मेडल इन द टोक्यो ओलम्पिक्स इन वेट लिफ्टिंग इन अ फोर्टी नाइन के जी एंड विद डैट शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन टू वन सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट जो कि अच्छे चांसेज हैं आपके एग्जाम में आए वो ये कि द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि रिसेंटली हो रहे हैं उनका मोटो है स्पोर्ट इज अ बिगनिंग ऑफ ऑल इस साल की जो थीम थी वो थी इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस ये न्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट है बेसिकली इसमें दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है पहला कौन से डे को मनाया जाता है और थीम डेज में बेसिकली यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल ये मनाया जाता है नाइन्थ अगस्त को और इस साल की जो थीम थी वो थी रिकगनाइजिंग द रोल ऑफ इंडिजीनियस वीमेन इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू फाइंड इट प्रटी यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन अगर कोई भी डाउट हो आपको अपनी प्रिपरेशन में तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी वील सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो